चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी, मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। पार्टियों में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप और दल बदल का दौर भी जारी है। बीजेपी विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस कड़ी में बीजेपी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, पार्टी से नाराज नेता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी जमीन तलाशने के लिए वह अब कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव टिकट का ऐलान होने के बाद बुंदेलखंड में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सागर जिले में भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी के लोग अपनी ही पार्टी से खफा हो रहे हैं और पेटे को टिकट न मिलने पर भाजपा के पूर्व सांसद सुधीर यादव ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, सुधीर यादव सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं। सुधीर यादव सागर जिले की बंडा विधानसभा से भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा की पहली सूची में वहां से वीरेंद्र लोधी का नाम घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि 2018 में बीजेपी ने सुधीर यादव को सुर्खी विधानसभा सीट से टिकट दिया था। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।